नमस्कार। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं, वो है किसान भाइयों के लिए परंपरागत खेती से जैविक खेती, खेती किसानों का खास कार्यक्रम, फसलों में बीमारियां और कई प्रकार के उपचार। ये हम आपके लिए अलग अलग वीडियो में लेकर आते रहेंगे। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में परंपरागत खेती से सब्जी भाजी की तरफ आते किसान, जिसकी आय न केवल दुगनी हो रही है बल्कि चौगुनी भी हो रही है। परंपरागत खेती जहां घाटे का सौदा होती जा रही है, वहीं नकदी और मुनाफे का सौदा है सब्जी और भाजी की खेती, क्योंकि ये दूसरी फसलों के मुकाबले में जल्दी पककर तैयार हो जाती है, बल्कि कच्ची ही सब्जी के रूप में मंडियों में जाती है और आप इसे हर रोज़ ताजी बेच सकते हैं, इसलिए मुनाफा भी अच्छा होता है और इसे नकदी खेती कहा जाता है। अब किसान लगातार परंपरागत खेती से दूर आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक से अधिक उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है और बिना रसायनों के परंपरागत खेती हो भी नहीं रही। किसान इस समय सब्जी की खेती में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसे मल्टीपल लेयरिंग के माध्यम से किया जा सकता है, यानी एक फसल पककर तैयार होती है तो उससे पहले दूसरी फसल उसमें लगाई जा सकती है। आज हम आपको ले चलते हैं तोरी और लौकी की सब्जी, इसके साथ साथ कद्दू की सब्जी। प्रगतिशील किसानों का ध्यान इस ओर अधिक है, वे परंपरागत खेती से ऊपर उठकर कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। यहाँ किसानों ने इस क्षेत्र में सब्जी की खेती में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। पिछले कई सालों के मुकाबले में बागवानी का क्षेत्र भी यहाँ बढ़ा है। हालांकि स्थानीय किसानों का मानना है कि जैविक पद्धति से सब्जी की खेती करने से शुरुआत में नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, समय लगता है, लेकिन बाद में इसका परिणाम सफल नजर आता है। किसानों का ये भी मानना है कि सब्जी की खेती के लिए उन्हें बाजार की तलाशने की आवश्यकता नहीं, वे खुद ही बाजार में बेच सकते हैं, मंडियों में बेच सकते हैं, बल्कि गली गली जाकर के भी बेच सकते हैं। हालांकि इस समय व्यापारी खुद खेतों में जाते हैं और वह सुबह सुबह ही तैयार फसल को ले आते हैं, इससे दाम भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय सब्जी पूरी तरह से ताजी होती है। कुछ किसानों का मानना है कि वे गरीबी में जीवन यापन किया करते थे, लेकिन आज वह किसान मेहनत और तकनीक के बलबूते पर अपनी आमदनी को बढ़ा चुके हैं। कुछ किसान तो दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं, वे दूसरे किसानों को भी जागरूक करते हैं। कई किसानों ने सब्जी और दूसरी तकनीकी खेती में अपने आप को इतना इनोवेटिव बना लिया है कि वे अपने समान दूसरे अन्य किसानों को प्रशिक्षण भी देने लगे हैं। किसानों को समय समय पर उद्यान विभाग भी जाकर जानकारियां देता है। ऐसे किसानों को अब सब्जी में काफ़ी मुनाफा होने लगा है। कुछ किसान तो साल में लाखों रुपए भी कमा लेते हैं। कई किसानों ने बागवानी के साथ सब्जी को बहुत महत्व दिया है। खेतों के बीच में बाग लगा हो और उसमें बेल की खेती, यानी बैंगन, मिर्च, मटर, टमाटर, ककड़ी, खीरा और अन्य कई प्रकार की सब्जियाँ भी बेच सकते हैं। अगर बात तकनीक की करें तो पानी भी इससे बचाया जा सकता है। जहां परंपरागत खेती में फ्लडी पानी देकर के बहुत पानी खराब हो किया जाता है और बार बार सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है, वहीं ड्रिप सिस्टम से बहुत अच्छे से सिंचाई की जा सकती है। इसे ड्रिप इरिगेशन विधि कहा जाता है। ये विधि पूरी दुनिया में अपनाई जाती है। इस विधि से पानी को 3 गुना तक बचाया जा सकता है और इससे फसलें भी अच्छी होती है, क्योंकि फसलों में आप जब चाहें पानी दे सकते हैं, जब भी उसे आवश्यकता हो। फ्लडी पानी ज़्यादा लगता है और उससे नुकसान भी काफ़ी होता है। कुछ किसानों का कहना है कि वे कम से कम ज़मीन में 40,000 रुपये प्रति माह कमा लेते हैं। उनका मानना है कि दुकान से ज़्यादा खेती में मुनाफा होता है, इससे दूसरे लोगों को काम भी मिलता है और मुनाफा भी अच्छा होता है। आप देखें ये खेती की खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत जी, ये कितने एकड़ में आपने तोरी की फसल बोई है? 1 एकड़ में है। अच्छा, एक बात बताइए कि इसमें कोई बीमारियां वगैरह नहीं लगती? बीमारी वैसे लगती है, जिसको सुंडी आ जाती है, फूल गिरने लग जाता है, जिसकी ये फूल है यहाँ से टूट जाता है ये, और कई बीमारी है इसमें। तो फिर आप कैसे उसको दवाइयाँ वगैरह प्रॉपर कहाँ से, खुद ही करते हैं या कृषि वैज्ञानिकों से पता करते हैं? पूछ के लेते हैं जी, उसका बीज लेके आए हैं जी, वहाँ से इसकी दवाई लेके आते हैं, चाहे सुंडी की हो, फल लगने की हो,
कोई और बीमारी की हो तो वहाँ से लेके आते। अच्छा, पहले आप लोग यहाँ गेहूँ वगैरह बीजते थे, परंपरागत खेती करते थे, लेकिन अब बिल्कुल हटके आप कर रहे हैं सब्जियों की, क्या मतलब ये फायदेमंद है? पहली बार की है जी ये। अच्छा, वैसे तो पहले नरमा और गेहूँ ही बीजते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, आपको कहीं से तो मोटिवेशन मिला होगा, किसी मतलब कोई अधिक आमदनी वाला साधन है, या कहीं किसी के कहने में कर रहे हैं, या जानकारी लेकर के आप कैसे मतलब इस हो रहा है? जैसे हमारे यहाँ पे कणक थी जी, कणक इतनी की होगी छोटी सी, ठीक है, तो पापा के गलत स्प्रे हो गई। अच्छा, पापा से गलत स्प्रे हो गई तो उस स्प्रे के कारण वो जल गई थी कणक सारी। अच्छा, तो ये तो हमें मजबूरी में बिजनी पड़ेगी, खेत खाली ना रहे, इसलिए ये नहीं। तो आप अभी मतलब इसके बाद में जोना वगैरह जो है चावल बीजोगे? जोना बीज सकते हैं या नरमा बीज सकते हैं ये। अच्छा, तो कितने दिनों की फसल है ये? ये शायद 4 महीने के लिए, 4-5 महीने। अच्छा, अभी तोरियां तोड़ने लग गए आप? हाँ जी, तोड़ रहे हैं जी। कितने की रोज निकाल लेते हैं इसमें से? 10 से 20 किलो तक निकल जाती है। अच्छा, कितनी जगह कितनी है ये जगह? 1 एकड़ है जी। 1 एकड़ में 20 किलो तोरी निकालते हैं आप, और क्या रेट बिक जाती है? ये रेट बिक जाती है 50 और 60 तक बिक जाती है। अच्छा, मतलब लगभग 500-600 रुपये की रोज आप निकाल लेते हैं इसमें से? हाँ, इतनी तो आई जाती है। 2 दिन के बाद तोड़ते हैं जी, रोज नहीं तोड़ते। अच्छा, हर दूसरे दिन आप निकाल लेते हैं? मतलब बढ़ जाती है तब तक, महीने के लगभग 15,000 के लगभग मतलब बन जाता है, इतना तो आ जाता है। अभी जैसे कि तोरी कम आ रही है तो इतना भाव है जी, ठीक है, ज़्यादा आएगी तो भाव कम हो जाएगा, 20-30 हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा थोड़ा। नहीं, आप जैसे और कोई अगर किसान इस खेती को करना चाहे तो उनके लिए क्या आप संदेश दोगे कि मोटिवेशन उनके अंदर होना चाहिए, लेकर के आना चाहिए, या कैसे मतलब प्रेरित करेंगे आप किसानों को? प्रेरित तो ऐसे है जी कि किसान को अपने आप ही सोचना चाहिए कि जो खेती वो इतने सालों से करता आ रहा है, लगातार करता आ रहा है, उससे इसका मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो करता रहे, अगर नहीं हो रहा तो सब्जी में, सब्जी में ज़्यादा मुनाफा है, मेहनत भी ज़्यादा है, लेकिन नगद खेती है ये, नगद खेती है, पैसा मिल जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मिठा सिंह जी। मिठा सिंह जी, किस तरह की फसल आपने इस समय बो रखी है? तो मैंने घिया कद्दू बो रखे हैं जी। हाँ जी, 4 कनाल में घिया कद्दू है और 9 कनाल में काली तोरी। अच्छा, तोरी की फसल आम जो रूटीन में जो फसलें होती हैं उनसे कितनी आमदनी वाली है? अभी लगभग जैसे अब बढ़ाया है 60 रुपये किलो का जी। अगर ये कोरोना ना होती जी 120 रुपये किलो की थी तोरी। हाँ जी, हाँ जी, 100 अगेती किस्म अगेती है ना बाजार में, तोरी बिल्कुल नहीं आ रही अब। हमने ये पहले महीने में लगा रखी थी। ठीक है, पहले महीने, अब चौथा महीना 4 महीने में तैयार होगी जी। अच्छा, एक बात बताइए, परंपरागत जो खेती है जैसे नरमा कपास है, उससे अगर कहीं ना कहीं अगर अगेती फसल की जाए तो उन सबसे फायदेमंद है? फायदेमंद तो जी सब्जी है, पर अब फसल में बदलाव चाहिए जी। हाँ हाँ, फसल चक्र अपनाना चाहिए। हाँ जी, नरमा बीज लिया कणक, नरमे के बाद कणक बिजली, कणक के बाद नरमा बिजली, इसमें फसल बहुत कम होती थोड़ी। ठीक है, जो पहले 25 क्विंटल होती थी, आप 20 क्विंटल भी आ रही है, 20 भी कभी 15 ही हो जाती है। नरमा पहले कम से कम 10 क्विंटल के लेगा होता था, ठीक है, 6-7 में रह गया, तो पानी खा रहे हैं इधर, पानी की वजह से झाड़ भी कम है। अच्छा, तो ये जो और कद्दू, कद्दू अब जैसे बाहर 10 रुपये किलो का बाहर इसका, ठीक है, अगर कोरोना ना होती 20 रुपये किलो मंडी में बिकने से, और सारी मार्केट तो अगेती फसल में, हाँ अगेती फसल में सारी मार्केट तो बंद पड़ी है, और इसका थोड़ा वजन भी इसमें ज़्यादा है, 10 रुपये का भाव बहुत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो दूसरी परंपरागत खेती है उससे थोड़ा हट के खेती भी करनी चाहिए? हाँ जी, हट के खेती थोड़ी करनी चाहिए जी, भी कह रहे हैं भी इसमें आमदनी ज़्यादा है, चलो मैंने, हम नगद खेती भी है ना? हाँ हाँ, नगद खेती है जी, क्योंकि नरमा और कपास या झोना जो है वो 6 महीने बाद आता है, और इसको जब आप हर रोज बेच सकते हैं। हाँ, इसको हर रोज बेच सकते हैं, तो बेचने में कोई परेशानी नहीं आती? ना, बेचने में कोई परेशानी नहीं है, इकट्ठी फसल बिक जाती है जी, और जहाँ बेच के बैठे यहाँ भी बिक जाती है जी, यहाँ डबल रेट मिल जाता है मंडी में,
60 रुपए किलो। अच्छा, यहाँ पर भी किसान लेने के लिए आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं। ठीक है, या फेरी वाले आते हैं सिर्फ यहाँ? ना, फेरी वाले आते तो हैं, वो सस्ती लेते हैं, पर उसमें फायदा नहीं देने। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह का कैसे आप ध्यान रखते हैं? डॉक्टर से राय लेते हैं या कैसे? नहीं नहीं, जिसके जहाँ से दवाई लेते हैं उनकी राय लेके करते हैं। ज्यादा जहरीली दवाई तो करते नहीं इसमें। ये मैंने आज करी है, जो ये गेहूँ वाली या बरसीम वाली, सूंडी मच्छर सब उड़ के इधर आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें ताकत वाली। क्योंकि फसलों की कटाई होगी तो वो हरी फसल पे बैठेंगे आगे। ठीक है।